जटा साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस बूढ़े आदमी को कहां लेकर जा रहे हैं? क्या करेंगे इसका? इनामदार, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर नेहा और डॉक्टर खुराना की जिंदगी चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ, 130 आयशिव बंगलो, चेंबूर, छट्टा। अरे क्या बात कर रहा है ठक्कर, चड्डा पे भरोसा नहीं है क्या तुझे? उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, समझे? कहां रखा तूने डॉक्टर और नेहा को? बता! हेलो चड्ढा, मैं डॉक्टर खुराना बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब, मैं अविनाश। अविनाश, तुम कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखो, चड्ढा ने मुझे महाकाली के पीछे जो वो गोडाउन है ना, वहाँ कैद कर रखा है। मैं अभी आया डॉक्टर साहब, और इस कुत्ते को भी साथ ले आता हूँ। सजा सजा तो तुम्हें भी नहीं चाहिए, तुम्हारी ईमानदारी की ये सजा है। नेहा को देखते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, अगर अपने बाप की खैरियत चाहती है तो जैसा मैं कहूं वैसा करना, समझी? बजाय डॉक्टर राव को अपने रास्ते से हटाने के, मैंने उसकी जिंदगी पर मौत का पहरा बिठा दिया, और नेहा अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए मेरे हर इशारे पर चलने के लिए बेबस हो गई। नेहा का रोना, हंसना, मुस्कुराना सब मेरे इशारे पर था। मैंने अविनाश को फंसाने के लिए उसे एक झूठी कहानी सुनाई। उन दिनों मुझे एक नए खतरे का एहसास हुआ। अविनाश और नेहा एक दूसरे को चाहने लगे थे। मुझे अपने नाटक से पर्दा उठने के आसार दिखने लगे। मैंने नेहा को किडनैप करवाया और अविनाश को चड्ढा तुम तक पहुंचने का रास्ता बताया। दरअसल मैं तुम्हारा हर्ष बाबू लंगड़ा जैसा नहीं चाहता था, क्योंकि टॉम के साथ जो मेरी डील होने वाली थी उस पर मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए थे। इसलिए मैंने तुम्हारे बंगले पर अविनाश को फोन करके इस ठिकाने का पता दिया, और अब बाजी मेरे हाथ में। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अविनाश, यारो, जीते जी बहुत साथ दिया इसने मेरा, मैं चाहता हूं ये मरकर भी मेरे काम आए। ये इंजेक्शन मैं इसकी नसों में लगा देता हूं, और फिर तुम लोग इसे लाश घर में फेंक देना। 24 घंटे के अंदर ये एक लाश बन जाएगा, और फिर इसकी लाश भी हमारे काम आएगी। नहीं डॉक्टर, मैं मर नहीं सकता, तेरे मरने से पहले मैं मर नहीं सकता।
ले जाओ और फेंक दो इस हरामजादे को मुर्दा घर में, ले जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते अमिताभ। इधर तो देखो, कहाँ है मेरा पोता, कहाँ है मेरा पोता? इंस्पेक्टर, क्या डॉक्टर, अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था? यह बात तूने ही कही थी ना कि जुर्म के खेल में बाजी पलटती रहती है, पलट गई ना बाजी। अपनी जीत के लिए यह कार्ड मैंने संभाल के रखा था डॉक्टर। तुझे इस बुड्ढे को देख के हैरानी हो रही है क्योंकि यह बुड्ढा तेरा बाप है। यह बात सुनकर तुझे कैसा लगेगा कि यह बुड्ढा जो तेरा बाप है यह अविनाश का दादा भी है? जिस नौजवान को तुमने बेहोशी का इंजेक्शन देकर मुर्दा खाने में फिकवा दिया वो तुम्हारा बेटा है। हाँ डॉक्टर इंद्रमोहन सक्सेना, वो तुम्हारा अपना बेटा है अविनाश सक्सेना। और ये रात खोलने के लिए मुझे सही वक्त का इंतजार था क्योंकि मुझे तुम तक पहुंचना था। पर गई ना करे जो को ठंडक, पहले से ही तो गलत रास्ते पे चलता रहा। तेरी वजह से तेरी माँ और मेरी बहू मर गई। तेरा मनहूस दाया मेरे पोते पे ना पड़े इसलिए मैं उससे पुणे से बंबई ले आया। लेकिन तेरे पापों का नतीजा मेरे पोते की मौत बनकर सामने आया। आखिर ले लीला जान उसकी। चंदा, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूं। मुझे अविनाश की जिंदगी चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर अविनाश की जिंदगी चाहिए। चंदा नहीं डॉक्टर नहीं, ऐसे मौके पर रहम और करम की भीख नहीं मिलती। ऊपर वाले ने भी तीनों पीढ़ियों का अंत एक साथ कैसे ले लिया? एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, एक बेटा अपने बाप को मरते हुए देखेगा और फिर उस राजा बेटे की मौत हम सब देखेंगे। इनामदार को है चंदा।
मैं तुम दोनों का गुनहगार हूं, लेकिन तुम दोनों अपनी जिंदगी को प्यार और विश्वास की बुनियाद पर सजाना जीवन का सबसे बड़ा सुख है, दूसरों को खुशियां देना। लेकिन मैंने अपने हर रिश्ते में लोगों को सिर्फ दुखी दिए। आज मैं जान गया विश्वासघात सबसे बड़ा गुनाह होता है, एक ऐसा गुनाह जो माफी के लायक नहीं। बाबा आपने सही कहा था, मैं इस धरती पर पाप का बोझ हूं। अविनाश अपना